नमस्कार, सुचित्रा पांडे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, वेज चाउमीन। शाम के स्नैक्स में कुछ चटपटा खाने का मन है तो ट्राई करें वेज चाउमीन की ये मजेदार डिश। तो आइए शुरू करते हैं सामग्री के साथ इसे बनाना। चाउमीन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चाउमीन 200 ग्राम लिया है। अब सबसे पहले चाउमीन को उबाल लेंगे। उबालने के लिए एक पतीले में मैंने 5 कप पानी डाला है, साथ ही इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और पानी में अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल या रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। जब इसमें बहुत अच्छी तरह से उबाल आने लगेगा तो इसमें चाउमीन डालेंगे। ये देखिए, हमारा पानी में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है और मैं इसमें अब चाउमीन डाल रही हूँ। धीरे धीरे करके सारी चाउमीन को इसके अंदर डाल देंगे और इसे उबलने देंगे। चाउमीन उबालते समय आप एक बातों का ध्यान रखें कि अगर वह फ्रेश हो तो हल्का पकाए और सूखे हो तो थोड़ा और पकने दें। मैंने यहाँ पे सूखे हुए चाउमीन का इस्तेमाल किया है और ये देखिए, चाउमीन 2 मिनट हो चुका है पकते हुए, अच्छी तरह से पक चुका है और इसे मैं पानी से तुरंत छान कर बाहर निकाल रही हूँ। चाउमीन को पकने के बाद इसे छान कर तुरंत बाहर निकालना है और ठंडे पानी से धोकर इसे ठंडा कर लेना है पूरी तरह से, जिससे कि चाउमीन एक दूसरे में चिपके नहीं और हमारी चाउमीन जो है जब बनाए तो खिले खिले बने। ये देखिए, मैंने चाउमीन को पूरी तरह से पानी से छान लिया है और ये ठंडा भी हो चुका है। अब इसे फ्राई करेंगे। चाउमीन को फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है, उसमें तेल डाल दिया है और तेल के गर्म होते ही इसमें बारीक कटे हुए प्याज को डाल दिया है और इसे तेज आंच पे भुनेंगे। साथ ही इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसमें बारीक कटे हुए गाजर को डालेंगे, जिसे मैंने स्लाइस में पतले पतले लंबे काट लिए थे, और इसे 1 मिनट तक फुल फ्लेम पे फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे फुल फ्लेम पे, और बाकी सब्जियों को भी इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च बारीक कटी हुई ली है, उसे भी इसमें डाल देंगे और इसे भी बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। सारी सब्जियों को 1 मिनट तक हल्का ब्राउन होने तक भुनेंगे। इसमें पत्ता गोभी भी ऐड करेंगे, जिसे मैंने बारीक काट के रखा था, और इसे भी 1 मिनट भुनेंगे। ये देखिए, सारी सब्जियों को भूनते हुए मुझे 1 मिनट हो चुका है और हमारी सब्जी जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और इसे मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। और इसी कढ़ाई में अब मैं चाउमीन को फ्राई करूँगी। कढ़ाई को मैंने पूरी तरह से साफ़ कर लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। तेल के गर्म होते ही उसमें मैंने उबले हुए चाउमीन को डाल दिया है और कलछी की मदद से इसे चलाते हुए 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल रही हूँ। ये 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया और 1 टेबलस्पून और मैंने डाल दिया। अब इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे और साथ ही मैं यहाँ पे चिली सॉस डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून चिली सॉस डालकर इसे फ्राई करेंगे 1 मिनट तक। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब हम चाउमीन में बाकी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं तो गैस को मीडियम कर देंगे। यहाँ पे मैं 1 पैकेट पास्ता मसाला डाल रही हूँ चाउमीन के अंदर, जिससे कि चाउमीन काफ़ी चटपटा बनता है। 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस डाल रही हूँ, घर का बना हुआ टोमेटो सॉस है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे मैं डाल रखी हूँ, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैं यहाँ कुछ सुझाव दे रही हूँ। चाइनीज़ खाना आमतौर पर तेज आंच पर बनाया जाता है, इसलिए स्ट्रेट फ्राइड करने के लिए
लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें। नॉन स्टिक कढ़ाई का प्रयोग चाउमीन बनाने के लिए ना करें। ऐसा करने से नॉन स्टिक कोटिंग खराब हो सकती है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर डाल रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आमतौर पे चाइनीज फूड में अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे अजीनोमोटो का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। चाउमीन हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और इसमें मैं अब फ्राई किए हुए सारे सब्जियों को मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फ्राई की हुई सब्जी को पहले डाल दी है और इसे मिक्स करूँगी। इसके बाद फिर धीरे धीरे और सब्जियों को मिक्स करूँगी मैं। सभी सामग्रियों को तेज आंच पर बराबर चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भुनेंगे। स्वादिष्ट चाउमीन अब तैयार है। अब यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है और चाउमीन को एक बाउल्स में मैं निकाल रही हूँ परोसने के लिए। वैसे तो ये अपने आप में ही बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो इसे वेज मंचूरियन के साथ परोसिए, इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। ये देखिए हमारी चाउमीन बनकर तैयार है। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि मैं जब भी कोई नई रेसिपी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।